आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं तिशु बोरा फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। आज है दीपावली, आप लोगों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है फिर दीपावली, आज हमारा है फास्ट। माता महालक्ष्मी माता के लिए हम फास्ट रखते हैं, उनकी फास्ट लेकर करके ही पूजा करते हैं। और अब चलते हैं हम पूजा में, पूजा करने के लिए पूजा से ही शुरुआत करते हैं, फिर करेंगे सारे काम। मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, बच्चे अभी सोए हैं और अब मैं करती हूँ पूजा। आप मेरे साथ न्यू ही जुड़े रहिए ब्लॉग में, आगे हम आपको सब दिखाते रहेंगे। देखिए दोस्तों, ये है हमारी निर्मला माता जी, मैं इनका ध्यान करती हूँ। अभी तक तो मैंने भगवान जी को टीका लगाया, टीका चढ़ाया। ये वाली माता को टीका नहीं चढ़ता है, इनको सिंदूर लगता है। अब मैं इनको सिंदूर लगाऊंगी। इनका ये सिंदूर है, ये इनका सिंदूर है, ये मैंने घोल लिया है। इसे पानी में नहीं घोलते हैं, इसे गुलाब जल से घोला जाता है। मैं इनके इसमें लगाऊंगी। पहले इनकी ज्योति पे लगाया जाएगा, जिसमें इनके दिए जलता है, फिर माता को लगाया जाएगा। ये देखिए, ये माता के पाद चरण हैं, इनमें स्वास्तिक बना हुआ है, तो हम भी उसके ऊपर से सिंदूर लगाएंगे। माता के पैरों को सुंदर सजा देंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, माँ ने कितनी प्यारी पैजेब पहनी है। अपने पैरों में महावल लगाया है, मेहंदी लगाई है अपनी उंगलियों में। ये देखिए माता जी के पैर हमने भी सजा दिए। ये हमारी निर्मला माता जी, अब हम उनके चरणों में फूल भी अर्पण करेंगे, माता रानी को फूल चढ़ाएंगे। माता के चरणों में फूल सजा देंगे हम। अब हम मैं करती हूँ इनका ध्यान। तो दोस्तों, हो चुकी है मेरी पूजा ख़त्म, पूजा कर ली है मैंने। अब बनाते हैं चाय, गांव से आए हैं चाचा, उनको भी पिलाते हैं चाय। और देख, आज मेरा और मेरे हस्बैंड का तो फास्ट है, देखते हैं बच्चों के लिए क्या बनाएं, नाश्ता बनाते हैं। आप मेरे साथ यूँ ही जुड़े रहिए, फिर मिलती हूँ आपको।
हेलो दोस्तों, अब हम जाने जा रहे हैं लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता मैंने आपको बताया था कि गन्ने की बनती हैं, ये हमने 3 साइज के गन्ने लिए हैं। आप लोग भी बना रहे हैं। एक गन्ना ये लिया है, इससे बनेंगी हमारी लक्ष्मी माता। ये 3 गन्नों से बनेगी लक्ष्मी माता और ये इनसे बनेंगे इनके हार। 4 गन्ने लेने पड़ते हैं, कोई 5 गन्नों का भी बनाता है, कोई 4 गन्नों का भी बनाता है। आप मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं लक्ष्मी माता, गन्ने की लक्ष्मी माता कैसे बनाई जाती है। एक साथ ऐसे बात देते हैं, टाइट बांधना है ताकि हमारी जो माता बने वो सीधे खड़ी रहे, जैसे ये खड़े हो गया है ऐसे इसको टाइट से बांध देते हैं। लोग तो मैंने ये चौकी लगाई है, आगे को दिखा, ये देखिए मैंने चौकी लगाई है, नीचे मैंने चावल रखे हैं, फिर मैंने एक छोटा सा परात रखा है, उस पे मैंने एक चांदी का सिक्का डाला हुआ है और ये चावल रखे हुए हैं। तो इसके ऊपर मैं लक्ष्मी माता खड़ी करूंगी, जो मैं ये लक्ष्मी माता गन्ने की बनाऊंगी इसके ऊपर खड़ी करूंगी और इसको ऐसे करके 3 गन्नों को मैंने बांध दिया है। अब मैं इसके ऊपर कपड़े पहनाऊंगी। अगर मैं खाली लहंगा पहनाऊंगी तो ये पतली लगेगी, तो अंदर से इस गन्ने के उससे मैं कपड़ों को लपेट लूंगी, बहुत सारे कपड़ों को, ताकि वो थोड़ी मोटा मोटा लगे। आप मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरी माता तैयार हो गई है। अब मैंने माता का श्रृंगार करना है, अब मैं धीरे धीरे इनका श्रृंगार कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इनके हाथों पे ये चुनरी लपेट दी है ताकि वो गन्ने ना दिख पाए, और इनका मुखड़ा लगा दिया है। अब मैं इनको इनका श्रृंगार कर रही हूँ, फिर मैं आपको पूरी माता बना के दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, हमारी लक्ष्मी माता बन चुकी है, कैसी लग रही है आपको, आप बताइएगा। आपको हमने दिखाया था कि कैसे बनाते हैं, मैंने इनको पूरा सजा दिया है। ये देखिए हमारी लक्ष्मी माता, अब हम बनाते हैं खाना, रात की तैयारी करते हैं, फिर मिलते हैं आपको रात को। हेलो दोस्तों, किचन का काम पूरा हो चुका है, अब हम आ गए हैं रंगोली बनाने। अब बना रहे हैं हम रंगोली। ये देखिए हमने ये बनाया है दिया, इसके ऊपर हम कलर करेंगे। ये है हमारे ढेर सारे कलर, अभी और हैं लेकिन अभी हम इतने ही लाए हैं। ये सारे ये कलर अलग अलग प्रकार के कलर हैं, हम इनमें करेंगे फिर हम आपको दिखाएंगे। ये है मेरी बहन सुमिता बिष्ट, ये और ये मेरी हेल्प करने के लिए आई है, ये मेरी बुआ जी की बेटी है, ये और मैं मिलके बनाएंगे। दोस्तों हमारी रंगोली बन चुकी है, देखिए कैसी लग रही है आपको। अभी हमने ये दिया का ये भी बनाया है, फूलों का सजा के इसमें हमने दिए रखे हैं कलरफुल, सारे आप मेरी पहली वीडियो देख चुके होंगे, उसमें मैंने कलरफुल दिए बनाए थे। ये हमने दिए का ये बना रखा है रंगोली के यहाँ पे सजाने के लिए, अभी थोड़ी देर में हम इनको जलाएंगे। और आप मेरे साथ वीडियो में यूं बने रहिए, मैं अभी आपको अपना पूरा घर दिखाऊंगी, पूरा घर दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है करके। आप बताइए कमेंट में भी कैसा लग रहा है करके, फिर मिलते हैं अभी तैयार होने के बाद।
हेलो दोस्तों, ये ब्लॉग में यहीं पे समाप्त करती हूँ और अब हम मिलते हैं पूजा के ब्लॉग में। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दीपावली।